फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो या अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फोकस करने का क्या मतलब होता है? मन लगाकर वो काम करना। शायद मन लगाकर आप वो वाला अपना काम नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपका ध्यान ना भटकता रहता है। भटकता रहता है मतलब जैसे सोशल मीडिया में लगता है कि चलो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, फोन पे गेम खेल लेते हैं, या फिर बाहर खेल लेते हैं, बाहर घूम आते हैं थोड़ा, या फिर थोड़ा टीवी देख लेते हैं, फिर ये वाला काम कर लेंगे, फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पढ़ाई करना या किसी भी काम को पूरा करना ना आसान नहीं होता है। और अगर ये सब काम आसान हो, मतलब पढ़ाई करना अगर आसान हो, तो सब लोग ना कर लें, है ना? पढ़ाई करना आसान नहीं होता, इसीलिए तो नहीं कर पाते हो आप। तो ये होता है कि अगर आपको फोकस करना है, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, सपोज आप डूब रहे हो पानी में, तो क्या आप अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे ये सोच कर कि हाँ आज मूड नहीं है, अभी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज पे, तो इसलिए मैं किसी को सहायता के लिए नहीं बुलाऊंगा, या फिर मैं खुद कोशिश नहीं करूंगा बचने की। या फिर किसी जंगल में अगर आप जाते हो तो शेर आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप क्या करोगे? अभी फोकस करने का मन नहीं है, अभी भागने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं भागूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप। तो जो काम जिस समय करने का उस समय करोगे आप। अगर आप अपने मन को इधर उधर भटकाते रहोगे फोन में, टीवी में और बाकी सारी फालतू की चीजों में, तो कब करोगे फोकस? जब टाइम निकल जाएगा तब। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए ये समय जो है जिस काम को करने का, अपने मन को मत भटकाइए, पूरा अपना कंसेंट्रेशन रखिए उसी काम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, या जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करिए पूरा, और ताकि आपको उससे खुशी मिले, आनंद मिले। आपकी राय इस बारे में क्या है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।